नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। देश भर से दर्शकों का प्यार पा रहा शो पुष्पा इम्पॉसिबल। पुष्पा का एक अनूठा सफर है जो इज्जत और सम्मान की जिंदगी पाना चाहती है। पुष्पा और उसका प्यारा परिवार भोपाल पहुंचा। करुणा पांडे कहती है कि पुष्पा का किरदार किसी तूफानी टास्क से कम नहीं रहा और हर कदम पर उसने न केवल दोहरी मेहनत की है बल्कि वह सामाजिक दबावों और तानों से भी उभरी है। किरदार को निभाना मेरे लिए काफी सीखने वाला अनुभव रहा है, क्योंकि मुझे एहसास हुआ महिलाएं जिन चुनौतियों का सामना करती है वह पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा कठिन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस शो और किरदार की सच्चाई वास्तविकता ने हर जगह से दर्शकों का ज़्यादा से ज़्यादा प्यार पाने में मदद की है। हम अपने फैंस का शुक्रिया कहने और उन्हें वैसा ही प्यार देने के लिए भोपाल आए हैं। वे लगातार इस शो को देख रहे हैं और अपना प्यार दे रहे हैं। दीप्ति की भूमिका निभा रही गरिमा परिहार कहती है, इस शो से जुड़ी नहीं थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा वास्तविक जीवन में इतना बदलाव ला सकता है। इतना ही नहीं, हम कुछ ऐसी महिलाओं से मिले हैं जो पुष्पा का जीता जागता उदाहरण है। कई महिलाएं भी हैं जिन्हें शो से अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा मिली है, चाहे वो कितने ही बड़े या छोटे क्यों ना हो। हमें जो प्यार मिला है उसका कोई जवाब नहीं। इस शो को इतना प्यार देने के लिए हम भोपाल के दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हैं, इसीलिए वह भोपाल पहुँचे। अच्छा, अश्विन क्या कहती है? अश्विन की भूमिका निभा रहे नवीन पंडित कहते हैं, भगवान ने महिला और पुरुषों को एक जैसा बनाया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें पता है कि महिलाओं को उसी मंजिल तक पहुंचने के लिए ज़्यादा मुश्किलें और लंबे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। पुष्पा इम्पॉसिबल छोड़ कर देने वाला शो है। पुष्पा कहती है कि होज में मतलब होज में एक संडे खरीदने की चक्कर में बाकी के 6 दिन तो सस्ते में खर्चे जाते हैं। संडे तो प्यारा हो गई मेरा है बस फिलहाल वो मत कर। मतलब मम्मी बहुत कुछ जो कांड करते कर आपको देखते हैं। अच्छा, मैं बात करूँ क्या मैम? थोड़ा क्या? अरे आओ ना।